अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मिन्स पास्ता बेक की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, साथ निभाइएगा। रेसिपी कार्ड आप नोट कर लें। सबसे पहले एक पैन में पानी बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और पास्ता शामिल करेंगे और थोड़ा सा तेल शामिल करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक पास्ता बॉईल होता है उस वक्त तक हम प्याज़ और लहसुन अदरक को चॉप कर लेंगे। प्याज़ को हमने रफली चॉप किया है, लहसुन अदरक को थोड़ा सा बारीक चॉप करेंगे। एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे और इसमें प्याज शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर लहसुन और अदरक को शामिल करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। शिमला मिर्च को थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में और टमाटरों को थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आप इसमें अपनी मर्जी से भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ जीरा, धनिया और मिक्स्ड हर्ब्स का 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का, नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी सुरख मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कैन टमाटरों का और चॉप किए हुए टमाटरों को शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, थोड़ी सी पेपरिका, अभी के लिए हाफ शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड पास्ता। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। बाकी की शिमला मिर्च हम बेक करने से पहले शामिल करेंगे। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे ओवन सेफ डिश में। चीज़ शामिल करके इसे बेक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए गैस मार्क 5 पर। हमारा मिन्स पास्ता बेक रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।